तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ ने बहुत विधि से समझाया, बहुत विधियां होंगी, वशिष्ठ तो बहुत बड़े प्रोधा हैं, लेकिन एक महात्मा ने यहां तक कह दिया कि वशिष्ठ जी ने बहु की विधि को समझाया। कौशल्या को बुला के कहा कि कौशल्या तुझे पता है एक वो बूढ़ा ब्राह्मण तुम्हारे यहां ज्योतिषी आया था, उसने राम जी की हस्त रेखाओं को देखा, भविष्य कथन किया और उसने यही कहा था कि एक ऋषि आएगा, वो इसको मांग के ले जाएगा, इधर से राम अकेले जाएंगे लेकिन उधर से विवाह करके आएंगे। और आप जानते हैं जहां विवाह की बात आती है ना, बेटा अभी भले ही कितना भी छोटा हो, बस विवाह की बात को सुनने के बाद माँ को जो उमंग आती है, जबकि दुनिया की हर माँ जानती है कि विवाह होने के बाद में ये जो मेरा है ना, ये भी मेरा नहीं रहेगा। इसलिए तो महात्माओं के पास माताएं जाती है, महाराज जब विवाह की बात होती है बहुत चंद्रमुखी है, बेटे की बहू कैसी है, बहुत चंद्रमुखी है। और जब विवाह हो जाता है उसके बाद में महात्मा उसको पूछता है, अरे ओ बहन चंद्रमुखी का क्या हाल है, तो वही कहती है चंद्रमुखी नहीं सूरजमुखी है। महात्मा तो विरक्त होते हैं, महात्मा कहते हैं कि वो सूरजमुखी है कि चंद्रमुखी है, कोई बात नहीं है तो ठीक ना, कुछ नहीं बोलती है। और कुछ सालों के बाद में जब उसके बेटे को बेटा हो जाता है और जब कई संयोग से अगर वो महात्मा को मिल जाता है तो महात्मा उसको पूछता है कि बेटा वो चंद्रमुखी है कि सूरजमुखी है, उसका हाल कैसा है। फिर वो हाथ जोड़ के कहता, गुरु जी माँ को कुछ पता नहीं है, वो ना चंद्रमुखी है ना सूरजमुखी है, वो ज्वालामुखी है। गुरु जी, तब गुरु एक ही बात कहता, बेटा अगर बचना चाहता है तो अंतर्मुखी बन जाता, एक ही उपाय है अंतर्मुखी बनो। अस्तो मा सद्गमय, हमसो मा ज्योतिर्गमय, मृतोर्माम अमृतम गमय। बहुत ज्यादा प्रवृत्ति में मत रहो, प्रवृत्ति में निवृत्ति होनी चाहिए। 18 घंटे काम करने के लिए 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है, आपकी प्रवृत्ति में निवृत्ति होनी चाहिए। रामायण की अगर बात करूं तो रामायण में तो लिखा है छठ दशील विपत्ति बहुकर्मा, जैसे जैसे तुम्हारा वानप्रस्थ होने लगे जीवन चाहिए साधक का जीवन। और जैसे ही बहू की विधि को समझाया फिर तो अंबा कौशल्या को जो ये सूत्र बिल्कुल सफल हो गया। फिर अंबा कौशल्या ने कहा वशिष्ठ जी को कि गुरुदेव आप मुझे बताओ, इनकी बात जाने दो। कभी कभी होता है ना कि माताओं का इतना प्रभाव होता है, इनको कुछ नहीं आता है, बेचारा वो पढ़ा लिखा अधिकारी लेकिन वो 8वीं पास माता जी उसकी नहीं चलने देती। अब मुझे बताओ मेरे भाई बहन, एक उम्र में जाकर नारी को है ना पति की बहुत उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरना जब बच्चे अपने अपने काम धंधों पे लग जाते हैं और पूरी दुनिया स्वार्थ में डूब जाती है, और जब 60 साल की उम्र हो जाती है उस उम्र में भी जिसने 40 साल साथ जी है ना वो भी जब उसका अपमान करने लगती है तो व्यक्ति अंदर से बहुत निराश हो जाता है। कम से कम दुनिया मुझे नहीं समझती है लेकिन कम से कम ये तो जानती है कि मैंने किन परिस्थितियों में क्या जीवन जिया है। वरना तो अभी मैं एक बहुत अनुभवी लोगों के साथ कथा में बैठा था तो वो कह रहे महाराज पता नहीं एक उम्र पे जाने के बाद में ना बच्चे तो आजकल कौन किसकी सुनता है, नाती पोते तो देखने को भी नहीं मिलते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है, लेकिन कम से कम जो 50 साल साथ रही है ना वो भी पता नहीं महाराज उसका भी जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति अकेला जब रहता है ना तो पुराने गानों में डूबा रहता है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया बेचारे। इसलिए कभी कभी कई लोगों को संन्यास लेना नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखना बेबसी का नाम संन्यास नहीं है, वैराग्य का नाम संन्यास है। जीवन में मजबूरी नहीं मौज होनी चाहिए, जब भी किसी को घटना घटी है कभी भी किसी को जो अवस्था मिली है वो मजबूरी में नहीं मौज में मिली है। इसलिए हमारे स्वामीनारायण वाले जो परंपरा के लोग होते हैं ना, अभी अहमदाबाद में बड़ा कार्यक्रम था, मौज में रहबू मौज में रहबू मौज में रहबू रे अखिल अगोचर, वो जो परमात्मा है उसकी खोज में रहनो। हमारे जैन परंपरा के महात्मा लोग गाते हैं कि पर से खस
स्वयं में बस, इतना बस, तू पर से हट जा, स्वयं में बस जा, बस इतना बस। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल है जीव को स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो एक उम्र पे जाके उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और विश्वामित्र ने भी जब सुना कि कौशल्या तो चारों को भेजने को तैयार है, तो उसने हाथ जोड़ के मना किया कि नहीं माता जी, अभी दो ही ठीक है, दिखाने के लिए दो ही बढ़िया होते हैं, फिर बगैर दूल्हे की बारात अच्छी नहीं लगेगी ना। लेकिन हाँ, मैं आपको वचन देता हूं कि आप दो लेके जा रहा हूं, लेकिन विवाह चारों का करा के भेजूंगा। सौंपे भूपुरी सही तब बहुविध दे आशीष, परमात्मा को सौंपा है। और यहां गोस्वामी कहते हैं ये जो राम है ना, अखिल विश्व के परम कारण है, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करण। आह क्या सूत्र है, क्या वेदांत है रामायण में, ये पूरे विश्व का परम कारण है जो भगवान राम है। किस आनंद के साथ, ऋषि के साथ, अगर विश्व के मित्र बनोगे तो तुम्हारे जीवन में राम आएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, संकीर्ण बन के मत जीना इस दुनिया में, साधु जीवन जीना। और साधु जीवन इतना पवित्र जीवन होता है, सत कर्म करे और मौन रहे, फिर चारों दिशा जागीरी में। इस संतों का जो जीवन होता है ना, किसी महापुरुष के आश्रय में रहो, भगवान की बड़ी कृपा थी। मेरा बचपना पूरा गिरिराज जी में, तो इतने इतने महापुरुषों का आशीर्वाद मिला है ना। संतों का जो जीवन होता है, संत के स्वार्थ में भी परमार्थ होता है। इसलिए साधु को समझा नहीं जाता है, साधु बनने के बाद पता चलता है कि वास्तविक महापुरुषों का जीवन कितना दैवी संपदा को विखेरना ही उनका उद्देश्य होता है। जहां भी कोई महापुरुष साधना करता है, वहां पूरी दैवी संपदा बिखरी रहती है। और फिर उसके बाद ताड़का सामने से आ गई है। राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा, भगवान योगेश्वर ने सबसे पहले पूतना को मारा, जबकि नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और ये हमारे दोनों आदर्श अवतार हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जब तक दुनिया में राक्षसियां रहेंगी, राक्षसों का जन्म होता रहेगा। इसलिए पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने के लिए पहले उन राक्षसियों को मारना बहुत जरूरी है जिनसे राक्षसों का जन्म होता है। हमें जीवन में बुराइयों का त्याग करने के लिए याद रखना, बुराई अच्छाई करने से अच्छाई की स्थापना नहीं होती है, बुराई का त्याग करने से अच्छाई की स्थापना होती है। इसलिए जो पुराने महापुरुष थे ना, पूज्य राम सुखदास जी महाराज, ये उनका वाक्य